हेलो फ्रेंड्स, डब्ली रेनफोर्स मेंबर इन बेंडिंग के लास्ट वीडियोस में हमने नेसेसिटी ऑफ डब्ली रेनफोर्स सेक्शन की बात की थी। उसके बाद एक्शन ऑफ डब्ली रेनफोर्स मेंबर क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, और न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको डिस्कस किया था। आज हम मेथड ऑफ एनालिसिस एंड डिज़ाइन की बात करते हैं कि डब्ली रेनफोर्स बीम को किन मेथड से डिज़ाइन और एनालिसिस किया जाता है। इसमें भी जो मेथड सिंगल रेनफोर्स सेक्शन में यूज़ होते थे वही यहाँ पे भी यूज़ होंगे। अब वो मेथड कौन कौन से हैं वो आपको बताता हूँ। तो देखिए, बेसिकली तीन तरह के मेथड लिटरेचर में मिलते हैं। पहला मेथड जो है उसे बोलते हैं स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी मेथड। ये फर्स्ट जो मेथड है उसे स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी मेथड बोला जाता है, और इसमें बेसिक इक्वेशंस यूज़ होती हैं। जो आपने पिछले वीडियोस में डिस्कस की इक्वेशंस, वही इक्वेशंस यूज़ होती हैं। उसके बाद जो सेकंड मेथड है उसे फॉर्मूला मेथड बोलते हैं। ये स्टील बीम थ्योरी पे बेस्ड है। ये मेथड में स्टील बीम थ्योरी को यूज़ किया जाता है। कैसे करते हैं वो बाद में आपको डिटेल में बताऊँगा। और जो थर्ड मेथड है उसे SP16 मेथड बोलते हैं। ये मेथड टेबल और कुछ ग्राफ्स हैं उनके बेसिस पे है। ये इसको जनरली फील्ड में यूज़ किया जाता है। फील्ड इंजीनियर्स इसी मेथड से कैलकुलेट करके स्टील कैलकुलेट कर लेते हैं, और या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेक्शन का कैलकुलेट करना होता है तो वो कर लेते हैं। जनरली ये मेथड फील्ड में यूज़ होता है। ठीक, अब ये जो सेकेंड और थर्ड मेथड है, मतलब फॉर्मूला मेथड या SP16, ये जनरली रेक्टेंगुलर सेक्शन डिज़ाइन करने में यूज़ होता है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा कि मेथड 2 एंड मेथड 3 कैन बी यूज फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन ओनली, बट जो मेथड 1 है, मेथड 1 इज यूजफुल फॉर नॉन रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑल्सो। मतलब इस थर्ड मेथड से, मतलब स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी मेथड से, हम नॉन रेक्टेंगुलर सेक्शन भी डिज़ाइन कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर सेक्शन तो कर ही सकते हैं, लेकिन नॉन रेक्टेंगुलर सेक्शन भी, जैसे आई सेक्शन हुआ, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, मतलब इन सेक्शंस को भी हम इस मेथड से डिज़ाइन, इस मेथड से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक, चलिए, ज़्यादातर इस मेथड से एनालिसिस की जाती है। देखिए, मैंने आगे लिखा भी है। अब मैं आपको स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी मेथड को पूरा डिटेल में बताता हूँ कि स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी मेथड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और जनरली ये ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब इसमें ट्रायल और एरर मेथड को यूज़ किया जाता है। तो देखिए, अब मैंने कहा कि दिस इज़ द मोस्ट बेसिक मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ MU। ये सबसे यूजफुल मेथड है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, और बेसिक मेथड बोला जाता है, सबसे बेसिक मेथड है ये। उसके बाद दिस मेथड इज जनरली यूज फॉर एनालिसिस ऑफ बीम। मैंने अभी आपसे कहा कि ये मेथड जनरली हम एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए करते हैं किसी भी गिवन सेक्शन और गिवन क्वांटिटी ऑफ स्टील के लिए। अब रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक आर इजियर फॉर ऑपरेशन व्हेन डीलिंग विथ इररेगुलर कंक्रीट सेक्शन। तो हम जब बेसिक मेथड से करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई इरेगुलर शेप है, कि आई सेक्शन को डिज़ाइन करना है या ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को डिज़ाइन करना है, तो फिर हम रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक कंसीडर करते हैं रेक्टो पैराबोलिक की जगह करते हो, तो डिज़ाइन करना या एनालिसिस करना आसान हो जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, और एनालिसिस करने का जो प्रोसीजर है उसको मैं आपको स्टेप्स में बताता हूँ कि वो क्या, किन स्टेप्स में हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, स्टेप 1, चूज ए वैल्यू फॉर XU, मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एंड ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑफ द क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 में हम न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ को एज्यूम कर लेते हैं, क्लियर, और स्ट्रेन डायग्राम बना लेते हैं वो गिवन क्रॉस सेक्शन के लिए। जब आपको स्ट्रेन डायग्राम मिल जाता है, तो उस स्ट्रेन डायग्राम के बेसिस पे हम स्ट्रेन इन स्टील, टेंशन साइड में जो स्टील है उसके अंदर स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, स्टेप 2 में मैंने क्या लिखा, कैलकुलेट स्ट्रेन इन टेंशन स्टील, ये टी लिखा है, मतलब टेंशन स्टील, एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस। तो
जब करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आप स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक। वो मैंने बताया था आपको कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, या तो स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से हो जाएगा, या टेबल ए ऑफ एस पी 16 से मिल जाएगा। दोनों में से किसी से भी आपको स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएंगी, जब जो एप्लीकेबल होगा वो देख लेंगे और उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। और जब स्ट्रेस मिल जाएगी तो फिर टोटल टेंसाइल फोर्स मिल जाएगा। टोटल टेंसाइल फोर्स क्या है? टी इज इक्वल टू एफ एस टी इंटू ए एस टी। क्लियर। अब थर्ड स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? स्ट्रेन इन कंप्रेशन साइड में जो स्टील है वो देखते हैं। तो कंप्रेशन साइड में जो स्ट्रेन की वैल्यू है उसे आपने बोला एप्सिलॉन एस सी। क्लियर। और इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस देखते हैं, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस उसे बोल दिया मैंने एफ एस सी। क्लियर। ये भी उसी तरह से देखोगे, किससे? या तो फॉर्मूले से मिलेगा, या वो जो आपको एसपी 16 में टेबल ए दे रखी है उससे कैलकुलेट होगा। अब टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा? जिसे आप टोटल कंप्रेसिव फोर्स इन स्टील, जिसे आप सी एस बोलते हैं, उसकी वैल्यू हो जाएगी एफ एस सी इंटू ए एस सी। क्लियर। अब फोर्थ स्टेप में हम जो कंप्रेशन साइड में कंक्रीट है वो कितना फोर्स दे रहा है उसकी बात करते हैं, जिसे आप सी सी बोलते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, डिटरमाइन कंप्रेशन इन कंक्रीट यूजिंग आई एस स्ट्रेस ब्लॉक। मतलब आई एस 456 में जो स्ट्रेस ब्लॉक है उसके बेसिस पे हम कंप्रेशन फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, कंप्रेशन कंक्रीट जैसे आपने सी सी बोला इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू। ये हमें पता है, हमने कई बार कैलकुलेट किया है, वो ये वैल्यू हो गई। और ये फोर्स कहाँ एक्ट करता है? ये जो आउटर फाइबर होता है सेक्शन में उससे 0.42 एक्स यू डिस्टेंस पे एक्ट करता है। क्लियर। ये हमें पता है स्ट्रेस ब्लॉक से, तो ये मैंने लिख दिया। क्लियर। अब टोटल कंप्रेसिव फोर्स देख लीजिए। टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा? सी इज इक्वल टू सी सी प्लस सी एस, वो आ गया। अब स्टेप सिक्स में हम चेक करते हैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स को टोटल टेंसाइल फोर्स से इक्वेट करते हैं, ठीक। इफ टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स तो फिर क्या होगा? देन एज्यूम्ड एक्स यू इज सेटिस्फैक्ट्री। मतलब जो आपने एक्स यू की वैल्यू एज्यूम की थी स्टेप वन में वो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब करेक्ट। क्लियर। लेकिन अगर इफ सी इज नॉट इक्वल टू टी तो फिर क्या होगा? अगर टोटल कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स के बराबर नहीं है तो फिर आप स्टेप वन से स्टेप सिक्स तक रिपीट करिए, ठीक। और कब तक रिपीट करेंगे? जब तक के टोटल कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स के बराबर ना हो जाए। क्लियर। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी जो मेथड है ये ट्रायल एंड एरर मेथड पे बेस्ड है। क्लियर। अब जब सी इज इक्वल टू टी हो गया तब फिर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा वो आपको बताता हूँ। तो देखिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, जैसे आप एम यू सी बोलते हैं, तो एम यू सी की वैल्यू मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। देखिए, एम यू सी कंप्रेसिव फोर्स का टर्म में देख रहे हैं इसलिए सी बोल दिया मैंने। अब यहाँ पे दो कंप्रेसिव फोर्स इस डबली रेनफोर्स सेक्शन में, दो कंप्रेसिव फोर्स हैं, एक सी एस है और दूसरा सी सी, ठीक। इन दोनों कंप्रेसिव फोर्स का मोमेंट अगर मैं टेंसर फोर्स के अबाउट ले लूँ तो मुझे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखिए, अब हम मोमेंट कैसे लेते हैं वो आपको बताता हूँ। तो देखिए, इस सी एस का मोमेंट आप इस टेंसर फोर्स के अबाउट लोगे तो सी एस इंटू जेड एस मिल जाएगा। और इसी तरह से ये जो कंप्रेसिव फोर्स है कंक्रीट दे रहा है, जैसे आपने सी सी बोला था, उसका मोमेंट इस टेंसर फोर्स के मोड ले लोगे तो सी सी इंटू जेड सी हो जाएगा। क्लियर। अब ये एस एस जेड एस और जेड सी की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, कंप्रेसिव फोर्स चाहिए तो कंप्रेसिव फोर्स तो वो लिखा है स्टील के टर्म में, और जेड एस की वैल्यू क्या होगी? जेड एस कितना आएगा? यहां से यहां तक की डेप्थ डी, और ये डिस्टेंस है डी डैश, तो ये डी डैश हो गया। प्लस लिखिए, सेम यहां लिख देना, और
ZC कितना होगा, ये कंप्रेसिव फोर्स कहाँ ऐड कर रहा है, 0.42 XU पे, तो ये वैल्यू कितनी होगी, D माइनस 0.42 XU, क्लियर। मतलब जो MC आपने यहाँ पे लिखा MUC वही है ये, क्लियर। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिव फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बताया, और जनरली यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे वो भी बताता हूँ। टेंसाइल फोर्स के टर्म में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, टेंसाइल फोर्स का मोमेंट कंप्रेसिव फोर्स के बोर्ड देख लें। लेकिन यहाँ पे तो दो कंप्रेसिव फोर्स हैं, तो क्या करोगे, इन दोनों कंप्रेसिव फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट करेगा उसके बोर्ड मोमेंट लेंगे इस टेंसाइल फोर्स का। तो अब ये दोनों जो कंप्रेसिव फोर्स हैं इनका आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंट्रॉइड चाहिए होगा कि कहाँ एक्ट करेगा, CG जैसे आप बोलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा CG ऑफ नेट कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम टॉप फाइबर, कि टॉप फाइबर से जो इन दोनों फोर्स का CG है वो मैंने बोल दिया कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज वाई बार, क्लियर। तो अब ये वाई बार कैसे निकलेगा, तो वाई बार का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, CC into YC plus CS into YS upon total compressive force, मतलब CC plus CS, क्लियर। सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला है ये, क्लियर। अब यहाँ पे YC कैसे निकलेगा, YC is equal to होगा कितना, YC ये डिस्टेंस 0.42 XC और YS कितना है, ये YS D dash, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो है इसमें पुट कर देना तो आपको सेंट्रॉइड की डेप्थ पता चल जाएगी टॉप फाइबर से, और जब एक बार सेंट्रॉइड की डेप्थ पता चल गई तो फिर इस टी का मोमेंट इस सेंट्रॉइड के बोर्ड ले लो तो क्या आएगा, इसे मैं MUT बोल देता हूँ। ये MUT क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन इन टर्म्स ऑफ टेंसाइल फोर्स विच इज इक्वल टू टी इंटू ये जेड। अब इस Z को मैं क्या बोलता हूँ, इसको Z बोल दिया, T into ये डिस्टेंस कितनी होगी, D माइनस Y बार, क्लियर। तो ये देखिए ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, और T कितना 0.87 FY AST, वो देखिए, क्लियर। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया, लेकिन जनरली हम मैंने यहाँ पे लिखा कि नॉट प्रेफर्ड इन प्रैक्टिस, जनरली हम इसको यूज नहीं करते, हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं इस स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी मेथड में, क्लियर। अब इस मेथड को और अच्छे से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं और उस न्यूमेरिकल में ये पूरे स्टेप्स को यूज करते हैं, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी मेथड पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोला है और डायमेंशन ऑफ बीम गिवन है, एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन साइड में गिवन है, एरिया ऑफ स्टील टेंशन साइड में गिवन है, M30 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ किया है और Fe 415 स्टील यूज़ किया है। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन में वो आपको बताता हूँ, बाय स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी मेथड, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले स्टेप वन की बात करते हैं। स्टेप वन में हम न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ को एज्यूम करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये मेथड ट्रायल एंड एरर मेथड पे बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ हम XU लिमिट के बराबर एज्यूम कर लेते हैं फॉर फर्स्ट ट्रायल। तो देखिए XU लिमिट Fe 415 स्टील के लिए 0.48D होती है, तो मैंने आप लिखा 0.48D फॉर Fe 415 स्टील, और आपने कैलकुलेट किया, इसे आपने XU1 बोल दिया क्योंकि फर्स्ट ट्रायल है ये, तो ये वैल्यू आई 264 मिलीमीटर है, मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया 260 मिलीमीटर, ठीक। आप 264 से चाहें तो 264 से कर लेना। अब आगे चलते हैं और स्ट्रेन की बात करते हैं कि ये जो स्टील के अंदर स्ट्रेन है टेंशन साइड में वो कैलकुलेट करते हैं स्टेप टू के अंदर। तो मैंने लिखा कैलकुलेट स्ट्रेन इन टेंशन स्टील, जिसे आपने एप्सिलॉन ST बोला। तो सिमिलर ट्रायंगल लगा लीजिए, ये मैंने स्ट्रेन डायग्राम बना दिया और इसमें सिमिलर ट्रायंगल से अपन
फॉर्मूला बनाते हैं. कैसे निकलेगा ये एप्सिलॉन एस टी अपॉन ये डेप्थ. ये डेप्थ कितनी है टोटल, यहाँ से यहाँ तक डी ये लिखा है माइनस ये एक्स यू. क्लियर. और 0.0035 अपॉन एक्स यू. तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल से आपने ये इक्वेशन लिख ली और इसमें वैल्यूज को पुट कर लीजिए. जब इसमें वैल्यूज को आपने पुट किया तो एप्सिलॉन एस टी की जो वैल्यू आई वो आ गई 0.0039. क्लियर. अब मुझे ये पता है कि Fe 415 स्टील के लिए जो यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है वो 0.0038 होती है. मतलब इस स्ट्रेन 0.0038 के बाद स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, मतलब 0.87 FY पे हो जाती है. आपको डिजाइन कर्व से पता है. तो फिर इस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो 0.87 FY हो जाएगी. क्लियर. तो मैंने यहाँ पे लिखा कि यील्ड स्ट्रेन फॉर Fe 415 0.0038 होती है. तो फिर इस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी जिसे आप FST बोलते हैं वो 0.87 FY, मतलब 0.87 into 415 हो गई. अब टोटल टेंसाइल फोर्स कितना होगा वो देख लेते हैं. तो टेंसाइल फोर्स क्या होगा, कौन दे रहा है, सिर्फ यही दे रहा है स्टील. जो टेंशन साइड में स्टील है वही टेंशन फोर्स देगा. तो T इज इक्वल टू हो जाएगा FST into AST. तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी क्योंकि यहाँ पे स्टील की वैल्यू दी हुई है 4310 मिलीमीटर स्क्वायर. इस वैल्यू को पुट कर दीजिए तो टेंसाइल फोर्स की जो वैल्यू आई वो आ गई 1556 किलो न्यूटन. क्लियर. आपने टोटल टेंसाइल फोर्स कैलकुलेट कर लिया. अब टोटल कंप्रेसिव फोर्स और कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम कंपेयर कर लेंगे टी को सी से. अगर इक्वल होगा तो मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेंगे और नहीं होगा तो वापस इस सेकेंड ट्रायल पे जाएंगे, मतलब वापस से एक्स यू की वैल्यू को एज्यूम करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे. ठीक है ना, मतलब स्टेप वन से लेके हम फिर वापस से रिपीट करेंगे. तो चलिए अब कंप्रेसिव फोर्स दो हैं यहाँ पे, कौन कौन से, एक ये कंक्रीट दे रहा है और दूसरा कंप्रेशन साइड में जो स्टील है वो दे रहा है. तो चलिए सबसे पहले कंप्रेशन साइड में जो स्टील है वो कितना फोर्स दे रहा है वो कैलकुलेट करते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले मैं स्ट्रेन की बात करता हूँ कि कंप्रेशन साइड में जो स्टील है उसके अंदर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है. तो देखिए फिर से मैंने सिमिलर ट्रायंगल लगाया तो एप्सिलॉन एससी अपॉन दिस, ये कितनी डेप्थ है, एक्स यू माइनस ये डी डैश माइनस कर लीजिए तो एक्स यू माइनस डी डैश और 0.0035 अपॉन एक्स यू, इसको इक्वेट कर दीजिए. सिमिलर ट्रायंगल से इक्वेट कर दिया तो आपको एप्सिलॉन एससी की जो वैल्यू आई वो 0.0027 आ गई. क्लियर. अब ये वैल्यू 0.0027 जो है ये हम इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस देखते हैं. क्लियर. लेकिन यहाँ पे वो जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो वैलिड नहीं है. ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देखोगे तो ये लीनियर रेंज में नहीं है. ये स्ट्रेन की जो वैल्यू है ये लीनियर रेंज में नहीं है. ठीक, तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो फिर हम SP 16 में जो टेबल ए है वहाँ से डायरेक्टली हम वैल्यूज देख लेंगे स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की वैल्यूज वहाँ पे दी हुई है. क्लियर. तो मैंने यहाँ पे लिखा टेबल ए ऑफ SP 16. उस SP 16 के अंदर वो जो कर्व होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंक्रीट के लिए, जहाँ पे वो कर्व होता है उस कर्व के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दे रखी हैं. ठीक है, तो चलिए मैंने कहा करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील FSC जो है वो उस टेबल से देखा तो वो 350 आ गया. क्लियर. अब CS की वैल्यू देखी, CS मतलब कंप्रेशन साइड में जो स्टील है वो कितना कंप्रेसिव फोर्स दे रहा है तो वो कितना देगा, FSC इंटू ASC. तो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी FSC की मैंने, 250 जो आई और कंप्रेशन साइड में जो स्टील है वो कितना है 1690. तो मैंने यहाँ पे 1690 लिख दिया और ये 10^-3 से मल्टीप्लाई इसलिए क्या, उसको किलो में कन्वर्ट हो जाए तो वो वैल्यू आई 591.5 किलो न्यूटन. मींस कंप्रेशन साइड में जो स्टील है वो कितना कंप्रेसिव फोर्स दे रहा है, वो इतना कंप्रेसिव फोर्स दे रहा है. क्लियर. अब कंप्रेशन साइड में जो कंक्रीट है वो कितना कंप्रेसिव फोर्स दे रहा है उसकी ओर बात कर लेते हैं. तो देखिए कंप्रेशन फोर्स इन कंक्रीट एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कि कहां पे वो एक्ट करता है. तो चलिए
कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा, CC इज इक्वल टू 0.036 FC के B इंटू XU, इसे वैल्यूज पुट कर लीजिए, ये तो हमें पता है ये फॉर्मूला, तो 0.36 FC के मींस 30 M30 ग्रेड का कंक्रीट है, B 350 गिवन है और XU 260, 10 पर माइनस 36 ले कर दिया क्योंकि किलो में कन्वर्ट हो जाए, तो ये जो वैल्यू आई 982.8 किलो न्यूटन आ गई। मतलब जो कंप्रेशन साइड में कंक्रीट है वो जो कंप्रेसिव फोर्स दे रहा है उसकी वैल्यू है ये, और ये कंप्रेसिव फोर्स कहाँ एक्ट करता है, मुझे मालूम है आउटर फाइबर से 0.42 XU पे करता है, तो मैंने 0.42 XU की वैल्यू लिखी, वो आ गया 109 मिलीमीटर। मतलब ये जो कंप्रेसिव फोर्स है CC, ये आउटर फाइबर से 109 मिलीमीटर पे एक्ट करेगा। क्लियर? अब टोटल कंप्रेसिव फोर्स देख लेते हैं, तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो आया वो C इज इक्वल टू CC प्लस CS, विच इज इक्वल टू 1574 किलो न्यूटन। क्लियर? अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि कंप्रेसिव फोर्स को टेंसर फोर्स से कंपेयर करते हैं और फिर चेक करते हैं कि वो बराबर है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा चेक T इज इक्वल टू C, तो यहाँ पर हमने जब चेक किया हेयर T इज वेरी नियरर टू C, क्यों? क्योंकि देखिए टेंसाइल फोर्स की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1556 किलो न्यूटन और जो टेंसाइल कंप्रेसिव फोर्स की जो वैल्यू आई वो आई 1574 किलो न्यूटन। क्लियर? मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक, थोड़ा सा कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा है तो वो जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ में डिफरेंस आएगा वो 1-2 मिलीमीटर का आएगा, मतलब वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? मतलब वो जो वैल्यू होगी वो 260 से थोड़ी सी और कम हो जाएगी, बस 1-2 मिलीमीटर का ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो मान लेता हूँ कि C इज इक्वल टू T है, तो हम X की वैल्यू 260 मिलीमीटर एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। अब जब ये C इज इक्वल टू T हो गया और न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ क्लियर हो गई कि वो 260 मिलीमीटर है, तो अब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। क्लियर? तो देखिए अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिव फोर्स निकलेगा, तो हम कंप्रेसिव फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स से कैसे कैलकुलेट करते हैं मोमेंट, कि ये जो दो कंप्रेसिव फोर्स हैं इन दोनों का मोमेंट टेंसाइल स्टील के अबाउट ले लेते हैं। ठीक, तो चलिए अब C मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस CC जो होगा वो क्या होगा, मतलब वो कितना मोमेंट देगा, CC इंटू ZC, और जो स्टील होगा वो कितना देगा, CS इंटू ZS। क्लियर? और वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी, अपन ने पहले ड्राइव ऑलरेडी कर चुके हैं, कैसे आया था वो मैंने आपको बताया था अभी, तो ये फॉर्मूला हो गया MU का, इस वैल्यूज को पुट कर दीजिए, CC की वैल्यू ऑलरेडी आपने कैलकुलेट की है, CS की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है। ठीक, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमें पता है दोनों फोर्स का, वो भी हमने लिख दिया, तो इनका जब मोमेंट देखा तो आपको ये वैल्यू मिल गई कितनी, 723.25 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज इक्वल टू 723.25 किलोमीटर मीटर। क्लियर? तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसी भी गिवन सेक्शन का गिवन कंप्रेसिव स्टील एंड गिवन टेंसाइल स्टील के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड या स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी मेथड, वो मैंने आपको बताया। क्लियर? अब डब्ली रेनफोर्स मेंबर इन बेंडिंग के में एनालिसिस एंड डिजाइन के सेकेंड पार्ट में हम फॉर्मूला मेथड को डिस्कस करेंगे, मतलब स्टील बीम थ्योरी क्या होती है वो डिटेल में बताऊंगा, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल की बात।